हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आप सभी को पता है कि हरियाणा में डेली किसी न किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर डेली डीसी रेट जॉब्स निकल कर आती है। अगर आपको भी डीसी रेट जॉब पर लगना है तो आप बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं। डीसी रेट जॉब में किस टाइप से लगा जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, किस टाइप से क्या प्रोसेस होता है, एक महीने के अंदर अंदर आपको डीसी रेट जॉब मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हैं। अपडेट का मतलब है जो भी फॉर्म आता है, जो भी नोटिफिकेशन मिलता है आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर, उस चीज को आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि डीसी रेट जॉब्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एप्लीकेशन जो फीस होती है वो भी ₹0 रहती है। तो अपने चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर डेली आपको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, हरियाणा के अंदर डीसी रेट जॉब आ रखी है, उसी टाइप से वन विभाग के अंदर पूरे हरियाणा के जो भी मेरे भाई और बहन है सभी इसके लिए एलिजिबल है, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस टाइप से क्या प्रोसेस निकल कर आ रहा है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है मन के अंदर, किसी प्रकार का कोई भी सस्पेंस रहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। वहां पर भी आप ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई लिंक नहीं मिलता, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो बेझिझक होकर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसका डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है तो आपको समय समय पर सारे अपडेट्स यहाँ पर रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे भाई और बहन, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के भी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी डीसी रेट जॉब्स की तरह डायरेक्ट बिना पेपर भर्ती होती है, हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स के आपको ओनली फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरने के बाद आपको जॉब मिल जाती है, उसी टाइप से दिल्ली के भी अपडेट्स आते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, जल विभाग, बिजली विभाग, मेट्रो, एयरपोर्ट, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा मेरे भाई और बहन, किसी यूट्यूबर ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, उससे पहले जो भी मेरे भाई और बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अगला अपडेट भी आपके शहर, आपके जिले, आपके गांव के अंदर हो सकता है। डीसी रेट जॉब्स का सबसे पहले सबसे अपडेट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा अपडेट चैनल है जहां पर डीसी रेट जॉब्स के जो भी अपडेट्स आएंगे सारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। डीसी रेट जॉब्स किसी विभाग के अंदर अगर एक पोस्ट भी आती है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलती रहेगी। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा डिटेल आ जाता हूं, आप वीडियो पर बने रहें। ओके गाइज, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा मैं कहाँ की बात करने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ द पेस्टिसाइड फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी गुरुग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गुड़गांव के अंदर आपको जॉब चाहिए तो बिल्कुल आसानी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, 19 अगस्त ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। इसकी लास्ट डेट क्या है, 18 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। क्योंकि मेरे भाई और बहन, अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले ये फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, जिसकी एग्जाम डेट अपडेटेड सून जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम टू टाइम समय समय पर सारे अपडेट यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, जिसके एप्लीकेशन फी आपको ₹500 मांग रखी है। एससी एसटी जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, उनके लिए ₹0 फीस रहने वाली है। पर्सन डिसेबिलिटी जो भी होंगे उनके लिए भी ₹0 फीस रहेगी, और आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ये पैसे पे करने होंगे। ओके, इसके आगे हम बात करने वाले हैं आपकी एज क्या होनी चाहिए। एज के लिए मेरे भाई और बहन, मैं आप सभी को बता देता हूँ, 18 से लेकर 28 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन या 35 साल तक के सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 35 ईयर्स आपकी एज मांग रखी है, किसी में 28 साल आपकी एज मांग रखी है। अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी एज में किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, 7 इसमें टोटल पोस्टें रहने वाली हैं। किस टाइप से पोस्टें आई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें, तो मेरे भाई और बहन जो भी पोस्टें आती हैं डीसी रेट जॉब्स की, आपको सभी को पता है कि किसी विभाग के अंदर 2-4-5-10 पोस्टें आती हैं डीसी रेट जॉब्स के लिए। किसी विभाग के अंदर ज़्यादा पोस्टें आती हैं तो डीसी रेट जॉब्स नहीं कहलाती, वो परमानेंट जॉब्स कहलाती है। पिछले 1-2 साल से आपने देखा होगा हरियाणा सरकार ने कोई भी सरकारी नौकरी निकाली नहीं, उसके चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत है। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है वहाँ पर डीसी रेट जॉब्स के तहत बच्चे कंटिन्यू भर्ती किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये मौका है, अगर किसी को भी जॉब्स की नीड है, तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और बिल्कुल आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट डेली देखने को मिलते रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें, जिसके लिए
डिप्टी चीफ जो बायो साइंस से जिसने भी एमएससी कर रखी है, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो, कोई भी एमएससी एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, प्लांट पैथोलॉजी से और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट कम के लिए, जिसके लिए आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट पास होना चाहिए। साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बीएससी पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनालिटिक जो साइंटिस्ट होता है उसके लिए भी बीएससी पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। इसके आगे हम बात कर लेंगे फील्ड की जो अटेंडेंट होते हैं उनके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, दोनों के अंदर यही मांग रखा है फील्ड वालों के लिए। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर रहने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें। ऑनलाइन का मतलब है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाउनलोड करना होगा आप सभी को। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको फॉर्म बिल्कुल करेक्टली भरना है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारे प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट आपको सारे लगाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर द किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बाहर लिफाफे में लिखना है। फिर आपको फॉर्म है वो कहां पर सेंड करना होगा, जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ द पेस्टिसाइड्स टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर आपको पूरा सेक्टर 20 के उद्योग विहार अपोजिट एम्बियंस मॉल है, NH8 गुरुग्राम के अंदर, 122016 हरियाणा, इस पिन कोड पर आपको जो अपना फॉर्म है वो आपको सेंड करना होगा। बाई एड्रेस पर आपको बता दिया गया, इस एड्रेस पर अपना जो फॉर्म है वो आपको भेजना होगा पूरे हरियाणा से। अगर कोई मेरा भाई और बहन दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करता है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। चाहे पंजाब से हो, चाहे हिमाचल से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे राजस्थान से हो, ऑल हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। और हरियाणा के साथ साथ कोई मेरा भाई और बहन दिल्ली बाहर से भी कोई भी बिलोंग करता है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सैलरी डिटेल की मैं बात करूँ आपको, पोस्ट वाइज के हिसाब से इसमें सैलरी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी पोस्टों के ऊपर ये सैलरी रहने वाली है। आप एक्सपेक्टेड भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी आपको सैलरी देने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सैलरी के रिलेटेड खुद भी चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी चीजें मेरे भाई और बहन 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहती है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, आपका सिलेक्शन किस टाइप से होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, ये सारी चीजें होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे भाई और बहन जिसको भी जॉब्स की नीड है तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बिना एग्जाम भी कई ऐसे ऐसे मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर भर्ती आती रहती है, वो आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, वहां पर भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको इसी टाइप से डेली हमारे चैनल पर न्यू अपडेट रेलू देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे भाई और बहन आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।